हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजेक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ ए सेलुलोस हेमीसेलुलोस, बी फॉस्फोलिपिड एंड इंटीग्रेटेड प्रोटीन, सी फॉस्फोलिपिड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन, डी फॉस्फोलिपिड एंड हेमीसेलुलोस। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके लिए सिंगर एंड निकोलसन एक मॉडल दिया था जिसका नाम होता है फ्लूइड मोजेक मॉडल। तो उनके अकॉर्डिंग ये काई की बनी हुई होती है, ठीक है। ए में दे रखा है सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज, तो इट इज़ इनकरेक्ट क्योंकि सिंगर एंड निकोलसन के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है। बी में दे रखा है फॉस्फोलिपिड एंड इंटीग्रेटेड प्रोटीन, इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। सी है फॉस्फोलिपिड्स एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये प्रोटीन जो है दो तरह का इसके अंदर पाया जाता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब तो ये होता है कि जो मेम्ब्रेन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें अंदर की तरफ एम्बेडेड होता है वो, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है कि लूजली अटैच होता है ऑन अपर सरफेस, जिसको कि इजीली हम उसको जो है एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऑप्शन डी में दे रखा है फॉस्फोलिपिड एंड हेमीसेलुलोज, सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। बेस्ट ऑफ लक।